असाइनमेंट्स को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ। तो क्या हुआ कि एक शाम का टाइम था, अभी कुछ समय पहले की बात है, एक पेशेंट आए करीब 60-65 ईयर्स के और बड़ी एकदम तेज़ी से क्लिनिक में। सर, लेकिन तेज़ी से आते समय भी, सर गुड इवनिंग सर, सर मैं आ जाऊँ अंदर? हाँ हाँ आइए। तो अंदर आए, बैठे। सर क्या है ना, देखिए मैं ना होम्योपैथी लेता हूँ और क्या है मेरे को ना ये गले में ये कफ हो गया है, ये कफ जो है ना ये निकल नहीं रहा डॉक्टर साहब। वो क्या है कि मैंने वो है ना पेटेंट प्रोडक्ट एक आता है वो लिया मैंने, वो उससे सोचा कि थोड़ा ये क्लियर हो जाए, तो उसको लेने के बाद भी है ना डॉक्टर साहब अभी भी वो ये है कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये कुछ है ना सर, सर ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर है मतलब यहाँ पे। तो वैसे तो ये है कि मतलब मैंने जब इतना सारा ये सब कुछ लिया ना सर, ये मैंने ब्रायोनिया भी लिया और सर ये मैंने आपका ये एकोनाइट भी लिया था मैंने, कि हो सकता है कुछ ठंड वंड की वजह से हो गया क्या। तो वो जानकार थे ऑलरेडी मेडिसिन वगैरह के, तो लेकिन ये सही नहीं हो रहा सर। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा मैंने बोला और कोई बात नहीं, नहीं और कुछ नहीं, मतलब ये है कि ये इतना सब कुछ लेने से थोड़ा मतलब क्लियर तो हुआ है, कुछ कफ निकला तो है, लेकिन लेकिन ना अभी पूरी तरह से नहीं। तो वही मैं सोचा कि मतलब कुछ ऐसा है जो अभी भी सही नहीं हो रहा है, तो आप एक बार चेक कर लो। और सर मेरे को यही लगा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए अब, तो इसलिए मैं आ गया आपके पास। मैं सोचा कि अब नहीं मतलब हो रहा है वो पेटेंट वगैरह से, तो आपको एक बार दिखा लूँ। और उनके बोलने का स्टाइल इसी तरह से था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा कोई इसकी वजह से कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं 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 आई नो कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अभी तो सही है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। वो क्या हुआ कि हम क्या है पार्टी में गए थे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ क्या है कि वो मेरे फ्रेंड हैं उनकी जो बेटी है वो खांस रही थी काफ़ी, वो बहुत उसको एकदम चेस्ट में इतना कफ सा लग रहा था, ऐसे घड़घड़ घड़घड़ करके वो खांस रही थी, आवाज़ सी आ रही थी और वो खांस रही है। तो मतलब ऐसा लगा कि कुछ है इसको, कुछ सीरियस, पर मैंने सोचा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो होते रहता है। तो लेकिन अभी क्या पता चला कि सर वो उसको उसकी तो हालत बहुत ख़राब हो गई, उसने जाने कितने डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया और अभी उसकी बहुत सीरियस मतलब स्थिति हो गई, वो बेड पे आ गई है, एडमिट होना पड़ गया उसको। तो आई नो कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, पर फिर भी सर है ना वही है थोड़ा सा, बस वैसे कोई टेंशन नहीं है, वैसे कुछ नहीं है। तो सर आप कुछ बताइए इसको। सर ठीक है मैं आपको दवा देता हूँ। सो आई गेव हिम हायोसाइनस। ओके, तो इस केस में देखिए कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं वो ये हैं कि उनको क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि सामने वो जो लड़की जो उस फंक्शन में पार्टी में वहाँ पे खांस रही थी और फिर बाद में उसको एडमिट होना पड़ेगा, तो हायोसाइनस को ये फियर होता है कि जैसे उसको हो गया वो तो भाई आ गए उस सफरिंग के स्टेट में, तो डेल्यूजन इंजरी विल रिसीव और इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, कि अभी इंजरी तो हो रही है, इस टाइम पे भी कुछ इंजरी चल रही है गले में मेरे, इसलिए आया हूँ सर मैं आपके पास कि कुछ तो लग रहा है, कुछ तो लग रहा है, लेकिन अब ये इंजरी और बढ़ेगी क्या? लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा अफेक्टेशन है, अफेक्टेशन ये है कि नहीं वैसे तो मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसे कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है, ये थोड़ा सा उसका अफेक्टेशन होता है, थोड़ा सा हाई स्पिरिटेड होता है हायोसाइनस। वो क्या करता है, काफ़ी सारी चीज़ें पहले ट्राई कर लेता है इधर उधर से, खुद से थोड़ा अपना स्पिरिट हाई करके मैनेज करता है कुछ, पर जब उसको लगता है कि अभी मैं कुछ है ना इंजुरी अब आना जाए, मैं कहीं बीच रास्ते में लटक ना जाऊं, तब फिर क्या करता है, तब फिर वो बोलता है नहीं नहीं नहीं
कहीं किसी ट्रस्टेड जगह पे दिखाना चाहिए। तो फिर वो डॉक्टर वगैरह के बारे में पता करेगा कि भाई कौन है, हर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा सा बिटरेट का भी डर होता है, तो वो जाएगा ऐसे के पास जो थोड़ा सा ट्रस्टेड उसको लगे। तो मैं हमेशा होम्योपैथी ही लेता हूँ सर, क्योंकि मेरे को पता है कि एलोपैथी में बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये तो एलोपैथी क्या धोखा दे सकती है ऐसा उसके दिमाग में है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है सर कुछ हुआ है। तो क्या है कि मतलब इंजुरी ऑफ सपोज्ड है, उसको ऐसा लग रहा है सपोज्ड, जैसे हम बोलते हैं सपोज्ड का मतलब कि मान लिया है उसने ऐसा कि इंजुरी है ऑफ सपोज्ड, कि जैसे हम बोलते हैं कि फॉर सपोज कि मतलब तुम ऐसा मान लो, ऐसा कई बार ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं ना। तो ये हायोसाइमस का केस था और उनको हायोसाइमस 200 दिया। मैंने बोला आप अभी दो दिन के बाद ही बताओ मेरे को। दो दिन के बाद वो आए, बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो एकदम बढ़िया क्लियर लग रहा है अभी, लेकिन आप क्या करो ना थोड़ा और दवाई दे दो मेरे को दो तीन दिन के लिए आगे। क्या है मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा मैं मथुरा वगैरह जा रहा हूँ, तो इधर सर पॉल्यूशन वगैरह काफ़ी है, तो ये फिर नुकसान तो नहीं करेगा ना। तो क्या है देखिए, डिलीजन ऑफ बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग, की जो सराउंडिंग है जैसे पॉल्यूशन है उसमें और दो दवाइयाँ हैं वहाँ लेकेसिस और नाजा है, तो वो सराउंडिंग से क्या है इंजरी हो सकती है क्या ऐसा। और क्या है कि थोड़ा और दवाई दे दो अभी, मतलब क्या है बेड डिजायर टू रिमेन इन है, बेड मतलब कि क्या कंफर्ट का पोजीशन है अभी, अभी सब आराम से चल रहा है, तो थोड़ा और दवाई दे दो तो थोड़ा और मतलब इतनी जल्दी हायोसाइमस छोड़ता नहीं है दवाई, ठीक है पर फिर भी खाते रहेंगे कि है ना दोबारा से वो इंजुरी तो रिसीव नहीं हो जाएगी फिर से। तो थोड़ा सा बेड डिज़ायर में रहता है, ये थोड़ा मेटाफोरिकल रूब्रिक है कि बेड में मतलब मैं रहूँ अभी भी अभी। तो ऐसे आपको हायोसाइमस कई मिलेंगे जो सालों से कोई ना कोई चीज़ पे डिपेंड रहेंगे, कोई 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 ऐसा लेग्जेटिव ले रहे होंगे। अभी एक और केस मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ये 72 इयर्स के एक मेल पेशेंट आए और मॉर्निंग का टाइम था, आए सर गुड मॉर्निंग सर मैं आ जाऊँ सर, हाँ आइए आइए बैठिए बैठिए। तो ये क्या होता है कि उसका रेवरेंस होता है थोड़ा हायोसाइमस का, हायोसाइमस आपको थोड़ा रिस्पेक्ट देता है, अच्छे से बड़े प्यार से अच्छे से नमस्ते वमस्ते बोल के बात करता है। बोला हाँ बताइए सर क्या है कि वो अपनी वाइफ के साथ आए थे, तो मैंने पूछा किसको दिखाना है, सर मुझे दिखाना है, बैठिए बैठिए। हाँ बताइए सर क्या मेरे को ना ये पेट की तकलीफ है, और ये सर क्या मेरे को बचपन से है, मेरे को मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है सर, पेट ढंग से साफ नहीं होता, एसिडिटी वगैरह रहती है, तो मैं क्या सर बहुत टाइम से लैक्सेटिव मतलब पे हूँ, मैं खा रहा हूँ और उससे आराम रहता है, लेकिन क्या है ना सर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो मैंने मेरे को बताया उन्होंने मेरे मित्र हैं कि आप मतलब एसिडिटी लेके देखो, तो उन्होंने बताया कि उनको फ़ायदा काफ़ी हुआ था, तो हम सोच रहे थे आने का बट आ नहीं पाए, अभी आए हैं तो सर आप थोड़ा सा देखिए। तो मैंने और केस वेस लिया, तो सर मुझे डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन है, उनकी दवाई मैं लेता हूँ। तो ओके ओके एनीथिंग एल्स, नहीं और कुछ नहीं। मैंने पूछा कुछ कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको कुछ डर वगैरह लगता है, तो नहीं नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ क्या था कि कई साल पहले 80s के टाइम पे क्या है मेरा एक थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था, थोड़ा झगड़ा हो गया था एक से, तो मुझे ऐसा लगता था सर ना कि उसने एकदम दुश्मनी पाल के और मेरे पीछे लड़के वगैरह गुंडे वगैरह लगा दिए हैं, वो मेरे पीछे पड़े हैं, तो उस डर से सर क्या है मेरे को फिर मोशन जाना पड़ता था, मुझे ऐसे ही लगता रहता था कि वो पीछे पड़ा हुआ है करके मतलब कुछ हार्म करेंगे वो मेरे को, पर अब नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो मैं ठीक हूँ। तो आई सेड कि अच्छा अच्छा ठीक है और कोई बात है, नहीं नहीं सर और तो कोई बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर कि ये क्यों समस्या ऐसी हो रही है, तो मैंने बोला कि देखते हैं क्यों हो रही है इसके पीछे, अभी तो हम आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली बट हम कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।
तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक चीज क्या था ना कि ऐसे बात करते करते ये वो कर रहे थे, ये जो है ये स्नेक का बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको लैपिंग ऑफ टंग बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ही रेमेडीज हैं, लेकिन वहाँ पे लैकेसिस के अलावा और रेमेडीज भी हैं। वन ऑफ द रेमेडीज इज हायोसाइनस। तो हायोसाइनस का भी ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इस तरह का लैपिंग होता है उसके अंदर। हायोसाइनस के अंदर रेवरेंस होगा, अच्छे से आपसे बात करेगा, रिस्पेक्ट देगा। और उसको क्या होता है कि वो थोड़ा जांच परख कर तब आप तक पहुंचता है। ऐसे नहीं पहुंचता कि फ्रिवलस नहीं कि मतलब है ना किसी ने बोल दिया तो उठकर आ गए, ऐसा नहीं। अच्छे से जांच पड़ताल करके थोड़ा सोच के तब आपके पास आएगा। और उसको पता है कि वो चीज़ मेरे को नुकसान थोड़ा कर रही है, इंजुरी कर रही है, वो लैक्सेटिव मैं जो ले रहा हूँ वो थोड़ा सा मेरे को साइड इफेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या है, उसके साथ में वो बैड डिजायर में रहना भी चाहता है कि नहीं, अगर वो नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत भी होगी। तो सर है ना, मतलब आप ऐसा कुछ दीजिए कि ये थोड़ा समस्या मेरा सही हो जाए। ये क्यों हो रहा है सर, ऐसा ऐसा क्यों हो सकता है? तो ये क्या है, थोड़ा स्पाई भी होता है। स्पाई क्या होता है, स्पाई होता है जासूस। अब जासूस जैसे जेम्स बॉन्ड है, और अपने यहाँ पे इंडिया में कैरेक्टर है ब्योमकेश बख्शी का, और ऐसे अपन कई सारे ऐसे शोज वगैरह देखते हैं जहाँ पे ऐसे जासूस होते हैं। तो जासूस क्या करता है कि वो कई जगह से क्लूज जुटाता है, क्लूज जुटाता है, कई सोर्सेस से, किसी से बात करेगा, 10 लोगों से पता करेगा किसी वो जो क्राइम हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए, 10 लोगों से बात करेगा, थोड़ा पढ़ेगा, इंटरनेट का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा, सॉल्व करेगा उसको, वहाँ जाएगा और फिर उस क्राइम को और ढंग से समझने की कोशिश करेगा, तब फिर उसको सॉल्व करता है। तो यही होता है स्पाइंग, एवरीथिंग का मतलब होता है वो सब चीज़ों को, उसको थोड़ा नॉलेज होता है खुद से, लेकिन वो ऐसा पूछ सकता है। सर ये रिपोर्ट में देखिएगा, जरा 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 देख के बताइए मेरे को कि ये क्या लिपिड बढ़ा हुआ है क्या सर? उसको पता है कि उसने देख लिया है ऑलरेडी कि लिपिड बढ़ा हुआ, पर डॉक्टर से एक बार कि देखें तो जरा, आपको पता है कि नहीं थोड़ा सा? हाँ, कि थोड़ा सा डॉक्टर का नॉलेज भी टेस्ट करता है वो। तो ये है लैपिंग ऑफ टंग है जो कैरेक्टरिस्टिक बात है। और क्या हुआ कि उस टाइम पे मैंने उनको आई थिंक लेकेसिस ही दिया, हाँ लेकेसिस ही दिया था मैंने, और लेकेसिस दे के मैंने भेज दिया। लेकिन क्या हुआ, 2 दिन बाद वो आ गए, बोलते हैं सर क्या हुआ मेरे को, ये बड़ा शोल्डर में पेन हो रहा है और ना सर रात भर मैं सो नहीं पाया शोल्डर पेन की वजह से। तो मैं सर क्या है, मैं उनके पास गया सर, जो एक ऑर्थोपेडिशियन है वो बड़े ट्रस्टेड है सर हमारे, तो मैं उनके पास गया। तो उन्होंने बोला कि आपको ये ना कुछ टेंडिनाइटिस हो गई है, आप ज़्यादा ये हाथ का मूवमेंट मत करिएगा, आप कोई सामान मत उठाइएगा, आप शर्ट जो है वो बटन वाली पहनी है, और इस तरह का बता दिया सर। तो मैंने सर दवा नहीं लिया उनसे, लेकिन उन्होंने बताया सर, वो क्या सर काफ़ी पुराने हैं हमारे, मतलब काफ़ी फैमिली टर्म्स हैं, बहुत फीस है सर उनकी, 2,000 रुपये वो फीस लेते हैं। तो सर उन्हें भी दिखाया, तो सर इसका कुछ आप बताइए। वरना सर पेट में जलन हो रही है सर, ये जलन का सर थोड़ा सा कुछ करिए, क्योंकि क्या है ना सर, देखिए सही बताता हूँ मैं आपको कि क्या है ना, मैंने कल है ना थोड़ा एल्कोहल वगैरह ले लिया दोस्तों के साथ। तो क्या है कि मैं वैसे सर है ना आई डोंट ड्रिंक, बट ऐसा मैंने वो कर लिया। सर आप डॉक्टर हैं तो आपको सब सही बताना चाहिए। देन थोड़ा मुझे उसके बाद आइडिया लगा कि दो चीज़ें यहाँ पे, कि जब वो उनको क्या है, उनको शोल्डर का पेन हुआ, वो टेंडनाइटिस बता दिया उन्होंने, उनको बोला कि आप ज़्यादा वो मत करो काम करो। तो अगेन वो इंजरी बीइंग इंजर्ड, उन्होंने बात किया कि उनकी फीस बहुत है और ये है, तो थोड़ा बिजनेस वगैरह के बारे में भी बताता है कि थोड़ा सा ऐसे बीच में पैसे वैसे की बात करेगा कि वो डॉक्टर जिनके पास मैं गया था वो उनकी इतनी फीस है, उनका ये है वो है, ऐसे करके वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है। और क्या है कि ये अल्कोहल मैंने पिया था सर कल रात को, तो बताना चाहिए सर, आप डॉक्टर हैं तो सब सही बताना चाहिए। एक रूब्रिक है उसमें कि
truth telling the plane. He will always say or he will always tell you the truth. झूठ नहीं बोलता वो, उसको पता है कि डॉक्टर से झूठ बोलेगा तो भैया कहीं लटक ना जाऊं बीच में, पूरी तरह से ठीक होना है मेरे को, तो झूठ नहीं बोलेगा वो, आपसे हमेशा सच बोलता है। बिल्कुल उसके मन में जो है वो बिल्कुल रख देता है आपके सामने। वो इसलिए वो नेकेड वॉन्ट्स टू बी में है और मेडलसम है। ये जो 72 ईयर्स, ये जो मैं अभी जो पेशेंट की बात कर रहा हूँ, ये फिर ठीक हो गए, इनको मैंने हायोसाइमस दिया तो इनको बहुत अच्छा आराम आया, उनके शोल्डर के पेन में भी आराम आ गया, वो जो बर्निंग हो रही थी उनको रेक्टो स्टर्नल, उनको बर्निंग हो रही थी, एसिडिटी सा हो रहा था, सब में आराम आ गया उनको। एक डोज उनको 200 का दिया मैंने और दो दिन तीन दिन के अंदर बहुत अच्छा रिलीफ आया, फिर धीरे धीरे शोल्डर का पेन भी उनका सबसाइड हो गया। तो वो मेरे से एक बार ऐसे ही बोले कि डॉक्टर साहब आपकी ना फीस जो है वो काफ़ी कम लेते हैं आप डॉक्टर साहब। नहीं मतलब आज के टाइम में डॉक्टर्स की फीस तो काफ़ी होती है, आप काफ़ी मतलब कम फीस में देते हैं। बोला कि नहीं, उसमें सबको देखना पड़ता है, कोई गरीब है उसको भी देखना पड़ता है, कोई नहीं 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 डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी फीस कम है, आप ना लिया करो फीस, जो सक्षम व्यक्ति है उससे तो आप फीस लिया करो। ये क्या होता है ना, मेडलसम होता है दूसरे के बिजनेस में घुसने वाला। एक मैंने आपको लेकेसिस में ही बताया था, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि, लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग था, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि अरे आप ये क्लिनिक वगैरह जो करते हो इसके अलावा कहीं और नहीं जाते आप, अरे सर कहीं जॉब वॉब करो है? तो वो क्या है, वो थोड़ा सा फ्रेंडली वे में, और वहाँ लेकेसिस को क्या ज़्यादा बाउंड्रीज पता नहीं है, थोड़ा सा फ्रिवलस टाइप का है, तो वो इस तरह से थोड़ा सा जेस्टिंग टाइप से मजाक करते हुए इस तरह से बात कर रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ ये, और फिर तुरंत टॉपिक चेंज भी कर दिया, वहाँ वो ये बात किया मेरे से कि आप कहीं जॉब करो, और फिर कहीं फिर दूसरे टॉपिक पे कि अरे उनके साथ ऐसा हुआ था, अरे सर मेरे बच्चे को ऐसा होता है ये, तो वहाँ लोक्वेसिटी जो है चेंजिंग द मतलब टॉपिक है कंटिन्यूसली। यहाँ पे हायोसाइनस में ऐसा नहीं होता, हायोसाइनस में क्या है कि वो लगे उसी में, वो मेडलसम है कि दूसरे के बिजनेस में अपनी टांग घुसानी है, जबरदस्ती का सजेशन देना है। क्यों? क्योंकि वो ट्रुथ बोल रहा है ना, वो सच चीज बोल रहा है, जो मन में आ रहा है वो आपको बताएगा। तो ये है हायोसाइनस, आई एम श्योर कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो आप भी अपने अनुभव शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट।